सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स एज यूट्यूब चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको हमारी वीडियोस मिले सबसे पहले। दोस्तों, अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी के दोस्त इमरान ताहिर को एक शानदार गेंदबाज मानते हैं तो वीडियो को लाइक करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों, काफी लंबे इंतजार के बाद और अभ्यास मुकाबलों के बाद खास तौर पर अब वर्ल्ड कप की ऑफिशियल शुरुआत हो चुकी है। आपको बता दें कि 30 मई को आज पहला रोमांचक मुकाबला इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका की टीम के बीच में खेला गया। दोनों ही टीमों के नाम सुनकर आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि दर्शकों में कितना ज्यादा रोमांच रहा होगा। आपको बता दें कि लंदन के ओवल में खेले जा रहे इस मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीका की टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। साथ ही इस मुकाबले में आज साउथ अफ्रीका की टीम की शुरुआत इतनी ज्यादा जोरदार रही कि कहीं न कहीं इंग्लैंड की टीम ने तो उसकी कल्पना भी नहीं की होगी। आपको बता दें कि पारी के पहले ओवर में इंग्लैंड की टीम के सबसे धुआंधार बल्लेबाज माने जाने वाले जॉनी बेस्टो महज 0 के स्कोर पर ही आउट हो गए। दोस्तों, जॉनी बेस्टो इस समय आईपीएल में काफी ज्यादा अच्छा प्रदर्शन करके गए थे। ऐसे में इंग्लैंड की टीम को उनसे काफी अपेक्षा थी, लेकिन उनके आउट होने के बाद इंग्लैंड की टीम का बल्लेबाजी क्रम लड़खड़ा सकता था। लेकिन जॉनी बेस्टो के आउट होने के बावजूद आज इंग्लैंड की टीम ने साउथ अफ्रीका की टीम की तेज तर्रार रफ्तार का ढंग से सामना किया। आपको बता दें कि ओपनर बल्लेबाज जेसन रॉय और जो रूट ने फिर आगे मिलकर अर्धशतकीय पारी खेली। सिर्फ इतना ही नहीं, आज तो इंग्लैंड की टीम के कप्तान भी शानदार फॉर्म में दिखे। केन मॉर्गन ने 60 गेंदों का सामना करते हुए 57 रन अपनी पारी में जोड़ लिए थे, जिससे कहीं ना कहीं इंग्लैंड की टीम को और भी ज्यादा मजबूती मिल गई थी। लेकिन अभी तो मैदान में एक और जाबाज की एंट्री होनी बाकी थी। दोस्तों, आपको बता दें कि यह और कोई नहीं बल्कि बेन स्टॉक्स थे। इस बार के आईपीएल के सीजन में कोहराम मचाने वाले बेन स्टॉक्स इस बार इंग्लैंड की टीम की तरफ से भी धाकड़ बल्लेबाजी करते हुए नजर आए। आपको बता दें कि बेन स्टॉक्स ने महज 79 गेंदों का सामना करते हुए अपनी पारी में 89 रन लगा लिए थे। खिलाड़ी ने आज 150 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करी और इन्हीं के कारण आज इंग्लैंड की टीम का लक्ष्य 300 के पार भी जा सका। अपनी पारी में बेन स्टॉक्स ने 9 शानदार चौके भी जड़े थे, साथ ही अब सब इस बात का अनुमान लगा रहे थे कि बेन स्टॉक्स शतक भी जड़ देंगे। फिर दुर्भाग्यपूर्ण एक अजीब सा शॉट खेलने के चक्कर में बेन स्टॉक्स कैच आउट हो गए और उन्हें अपना विकेट गंवाना पड़ा 89 रनों के स्कोर पर। इसके बाद पारी के अंतिम ओवर में जोफ्रा आर्चर और प्लंकेट ने अच्छे शॉट्स लगाए और टीम के स्कोर को 311 रनों तक ले गए। लेकिन दोस्तों, आपको बता दें कि बेन स्टॉक्स के अलावा आज मैदान में धोनी के खास दोस्त इमरान ताहिर का भी जलवा देखने को मिला। इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में आज साउथ अफ्रीकी टीम के कप्तान फाफ डुप्लेसिस ने एक अलग ही दांव खेला। तेज गेंदबाजों को ना चुनकर आज फाफ डुप्लेसिस ने इमरान ताहिर से अपनी गेंदबाजी की पहल करवानी चाहिए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है कि किसी स्पिनर गेंदबाज ने किसी टीम के लिए पहला ओवर डाला हो। इमरान ताहिर का नसीब तो देखिए कि जैसे उन्होंने अपने पहले ओवर को डालना शुरू करा तो उन्होंने अपने हाथों से इतिहास रच दिया। दोस्तों, आपको बता दें कि अपने इस पहले ओवर की दूसरी गेंद पर इमरान ताहिर ने इंग्लैंड की टीम के तूफानी बल्लेबाज जॉनी बेस्टो को पवेलियन की तरफ रवाना कर दिया। आपको बता दें कि इतिहास में ऐसा कारनामा करने वाले अब इमरान ताहिर पहले गेंदबाज बन चुके हैं। वैसे पहले स्पिनर कहलाएंगे जिन्होंने अपनी टीम की तरफ से वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में पहला ओवर डाला और उसकी दूसरी गेंद पर विकेट भी ले लिया। दोस्तों, इसके साथ इमरान ताहिर ने इतिहास तो रचा ही है, लेकिन इसके बाद उन्होंने अपनी टीम को एक और महत्वपूर्ण विकेट दिलवाया इयान मॉर्गन के रूप में। मॉर्गन इंग्लैंड की टीम के कप्तान और वह 60 गेंदे खेलकर 57 रन लगा चुके थे, लेकिन फिर उनकी इस तूफानी पारी पर अंकुश लगाया इमरान ताहिर की शानदार गेंदबाजी ने। आज मैदान में कुछ इसी तरीके से बेन स्टॉक्स ने अच्छी बल्लेबाजी तो करी, लेकिन कहीं ना कहीं इमरान ताहिर के भी चर्चे हैं। सिर्फ इतने नहीं दोस्तों, आपको बता दें कि इमरान ताहिर की शानदार गेंदबाजी का नजारा तो इस बार के आईपीएल के सीजन में भी देखने को मिला था, लेकिन आप सभी उनकी इस शानदार गेंदबाजी को 10 में से कितने नंबर देना चाहेंगे इसका जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। और ऐसी सभी ताजा खबरों के लिए भी सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।